हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आप ही लोगों में से काफी लोगों का सवाल है यूएई वीजा ट्रांसफर को लेकर, इनसाइड द यूएई वीजा को लेकर कि वीजा इस समय पर ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, कैंसल्ड वीजा से नए वीजा हो रहे हैं कि नहीं, इनसाइड द यूएई और आउटसाइड द यूएई का वीजा स्टेटस इस समय पर क्या है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक अपडेट दिया हुआ है यूएई वर्क वीजा अनस्किल्ड कैटेगरी से रिलेटेड, लेकिन उसके बाद जो सवाल आए हैं वो आए हैं वीजा ट्रांसफर को लेकर कि इस समय पे वीजा ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, स्किल्ड कैटेगरी में सारी चीजें ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वीजा ट्रांसफर है, कैंसल वीजा है, नया वीजा है, इनसाइड द यूएई, आउटसाइड द यूएई, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। पर्टिकुलर बात करेंगे अनस्किल्ड कैटेगरी का, तो अनस्किल्ड कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो इस समय वीजा ट्रांसफर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। किसी किसी कंपनी से किसी कंपनी में वीजा ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन सारे में नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कहाँ से चेक करेंगे, ये आप लोग अपनी कंपनी से चेक कर सकते हैं कि इस समय पे वीजा ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन मैक्सिमम जगह पे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, कैंसल्ड वीजा से नए वीजा की बात कर ले। देखिए, आपका जो वीजा है वो इस समय पे कैंसल्ड स्टेटस में है और आपकी जॉब दूसरी कंपनी में लगती है, तो क्या दूसरी कंपनी में आपका वीजा लग जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल लग जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, चाहे आप किसी भी नेशनलिटी के हैं। अनस्किल्ड कैटेगरी का भी जो है कैंसल वीजा टू न्यू वीजा, ये स्टार्ट हो चुका है और ऑलरेडी लोगों के लग भी रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आउटसाइड दी यूएई, कल मैंने बताया था इनसाइड दी यूएई, यानी कि आप यहाँ पर विजिट वीजा में हैं या फ्रीलांस वीजा में हैं या अदर वीजा में हैं, तो आपको यहाँ पर जॉब मिलती है तो क्या आपको वीजा लग जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मैं सारे नेशनलिटीज़ के लिए बता रही हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, यहाँ के मेन मेरे व्यूअर्स रहते हैं, इसलिए मैं इन्हीं कंट्रीज़ के अपडेट आपको देती हूँ। तो कोई भी दिक्कत एज सच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र को लेकर। वीज़ा ट्रांसफ़र अगर आपको कराना है तो आपको कंपनी से बात करनी होगी, आपकी पुरानी कंपनी, नई कंपनी, ठीक है, उसके बाद ही आप वीज़ा ट्रांसफ़र के लिए सोचिए, क्योंकि कोई कंपनी कर रही है, कोई नहीं कर रही है। बाकी जो आपको करना है कैंसिल टू न्यू वीज़ा या इनसाइड द यूएई आप हैं विजिट वीज़ा में या आउटसाइड द यूएई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वीज़ा इस समय पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं दुबई, अबूधाबी और शारजा की। तो दुबई और अबूधाबी वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं है, शारजा में अभी भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। शारजा का वीज़ा अगर आप लगवाना चाहते हैं तो मे भी आपको दिक्कत फेस करना पड़ सके, लेकिन दुबई और अबूधाबी में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो गाइज, आई होप इस वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे, और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।